नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुमित कटियार, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि जागरण फार्मर द जर्नलिस्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे फसल चक्र। फसल चक्र क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं और इसके लाभ क्या हैं। तो सर्वप्रथम आपको बताएँ, भूमि जैसे एक निश्चित क्षेत्र में किसी भिन्न भिन्न वातावरण, जैसे वातावरण है उसे भिन्न भिन्न फसलों का चुनाव करना, भाई एक तरह का फसल चक्र है। पहले जैसे सर्दियों में हम लोग मान लीजिए तौर पे यहाँ पे आलू होता है, इसके बाद मक्का या तरबूज कर लेते हैं, तरबूज या मूंगफली भी कर सकते हैं। उसके बाद जब खरीफ सीजन आता है तो आप वही मान लीजिए यहाँ पर मक्का भी कर सकते हैं, और इसके बाद कुछ लोग मूँगफली भी करते हैं। उसके बाद ढेंचा जो एक नाइट्रोजन एकत्रीकरण करने का क्रॉप है, ये भूमि में नाइट्रोजन इकट्ठा करता है वातावरण से, तो इन क्रॉपों को हम लोग उगाते हैं। तो सर्वप्रथम आपको भूमि दिख ही रही होगी, जैसे आप लोग ये देख पा रहे हैं इनमें दो फसल हो चुकी हैं। रबी में इसमें दी गई थी आलू की फसल, रबी समाप्त होने बाद इसके बाद आई जयाद, जयाद में इसमें तरबूज किया गया है। अब इसमें हम लोग दो फसल ली जा चुके हैं, तो एक फसल चक्र हो गया। तो इसमें हम उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए ढेंचे की भी फसल ले सकते हैं। ढेंचा उगाने के बाद लगभग दो महीने के बाद इसको हम लोग जुताई से अच्छे से पलटवा देंगे, पलटवा देने से इसकी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। तो इसके सिद्धांत यही है कि आपको बता दें, जैसे कम पानी चाहने वाले फसलों के बाद ज़्यादा पानी चाहने वाले फसलों का चुनाव करना, उथली जड़ों की जो फसल लगाएं, जो उसकी जड़ें उथली होती हैं, उसके बाद हम लोग गहरी जड़ें वाले फसलों का चुनाव करेंगे। पहले हम लोग सीरियल क्रॉप्स लेंगे, इसके बाद हम लोग दलहनी क्रॉप्स भी ले सकते हैं, जिससे हमारी भूमि में उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो फसल चक्र का अपनाना एक बहुत, जिससे इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ भी रोकथाम होती है। जैसे आलू में जो रोकता है वो मक्के में नहीं लगेगा, और जो मक्के में रोकता है वो आलू नहीं लगेगा, और जो दलहनी फसलों में जो रोग लगता है वो आप लोग जयाद में करेंगे। मान लीजिए मूँगफली कर ली जयाद में, इसके बाद आप ढेंचा मूँग दलहनी फसलों का चुनाव करें, जिससे हमारी भूमि उपजाऊ होती है। तो हम लोग ऐसे ही भूमियों का चुनाव करेंगे, फसलों का माफ कीजिए, फसलों का चुनाव करेंगे और अपनी भूमि को उर्वरा शक्ति बनाए रखेंगे, जिससे आने वाले समय में हम लोग कम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि उर्वरकों का प्रयोग कम करें, जिससे हमारी आमदनी बढ़े। तो किसान भाइयों, आज इसी बारे में बात को आज करेंगे कि फसल चक्र को माना भूमि उर्वरा शक्ति को बनाए रखने का ऐसा है। ये एक ज़रूरी चक्र है जो हमें किसान भाई को अवश्य अपनाना चाहिए। तो इसे अपनाने के बाद हमारी भूमि उर्वरक रहित होगी, युक्त और काफ़ी अच्छी उपज भी प्राप्त होगी जो आगे हम फसल करेंगे। तो आप लोगों से यही कहना है कि फसल चक्र को अपनाएं और इसके सिद्धांतों को भी अपनाएं, जिससे भूमि उर्वरा शक्ति बने रहे, वो आगे अच्छी उपज प्राप्त हो, जिससे आमदनी भी बढ़ेगी किसानों की और भूमि भी अच्छी रहेगी। इसी के साथ किसान भाई इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।